और एक और बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है। कुलदीप जखीना हत्याकांड मामले को लेकर आरबीएम अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मृतक कुलदीप के दोस्त और गांव वाले मॉर्चुरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने अभी तक मुख्य आरोपियों को नहीं किया गिरफ्तार। कुलदीप के परिजनों और गाँव वालों का धरना लगातार जारी। पुलिस ने भाड़े के बदमाशों को पकड़ा है। मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। देर रात्रि को आरोपियों के घरों पर डीजे बजाया गया, हवाई फायर किए गए। पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मृतक कुलदीप जगीना के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए धरना दिया है और पुलिस से ये कह रहे हैं कि भाड़े के बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो मुख्य आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृतक कुलदीप के दोस्त और गांव वाले मॉर्चुरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्य आरोपी को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ा। पुलिस ने सिर्फ भाड़े के बदमाशों को पकड़ा है। मुख्य आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है। आज कल जो जघन्य हत्याकांड हुआ था कुलदीप जगीना का, जो कि देश भर में चल रहा है, आप सभी को पता है, इसको लेके कल पुलिस प्रशासन ने 4 लोगों को पकड़ा है। हमारा ये मानना है और ये सच्चाई भी है कि जिन लोगों को पकड़ा है वो तो किराए के लाए हुए लड़के थे, जिनको इन रविंदर, पंकज, लोकी और आदित्य, इन चारों ने हायर किया था पैसे देके। कल से लेके आज तक इनके घर पे जो मेन मुलजिम है, पंकज, रविंदर, आदित्य और लोकी, पुलिस प्रशासन के एक भी सिंगल कांस्टेबल इनके घर पर नहीं पहुँचाए। क्या ऐसे कारण रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा